मुजाहरा करें भाई, तमाम की दरख्वास्त है नजमो सब का मुजाहरा करे, तमाम की दरख्वास्त है नजमो सब का मुजाहरा करेंगे। हम इस काफले को, इस लश्कर को, इस कारवां को इंशाल्लाह ताला अपनी अगली नस्लों की बका के लिए ऐसा छोड़कर जाएंगे कि फिर किसी मुहाजिर को अलासिफ स्क्वायर सोराब गोट आने में सोचना ना पड़े, उसको ये लगे कि उसका दूसरा भाई यहाँ रहता है, कि फिर किसी पख्तून को लियाकताबाद जाने से, गुजरने से पहले, नाजमाबाद, फेडरल बेरिया, अजीजाबाद जाने से पहले सोचना ना पड़े, उसको लगे कि उसका कोई दूसरा भाई वहां रहता है। हम अपनी जिंदगियों में ऐसा इत्तेहाद, ऐसा नाता, ऐसी दोस्ती, ऐसा रिश्ता कायम करके मरना चाहते हैं कि कल हमारे मरने के बाद जब ये नस्लें, हमारे आइंदा आने वाली नस्लें आपस में एक साथ मिलकर जिद्दोजहद करें, आपस में दोस्त हों, आपस में भाई भाई हों, और अल्लाह ताला की जब इन पर रहमत बरसे तो हमारी कब्रों पर भी उसका अजर आए, हमारी कब्रों पे भी उसका अजर आए कि ये पौधा ऐ मेरे सोराब गोट के साथियों, ये पौधा तुमने लगाया, खुदा की कसम तुम कामयाब हो, तुम्हारे पास भले आज कोई एक काउंसलर भी नहीं है लेकिन तुम बड़ी बड़ी सीटें रखने वालों से ज्यादा मोतबर हो, खुदा की कसम ज्यादा कबूल होने वाले हो, खुदा की कसम। अल्लाह ताला को सीटें नहीं चाहिए भाई भाई भाई, बादशाहत तो फिरौन के पास भी थी, बादशाहत तो अल्लाह ताला नमरूद को, फिरौन को भी दे देता है। कामयाब वो है जो अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले काम करे, और इससे बड़ा काम और क्या होगा कि अल्लाह के कलमे को पढ़ने वाले दो भाइयों को आप एक कर दो, इससे बड़ा अल्लाह के नजदीक और बड़ा काम क्या होगा, अल्लाह के नजदीक और मकबूलियत वाली बात क्या होगी कि अल्लाह के कलमे को पढ़ने वाले दो भाइयों को आप एक कर दो। खुदा की कसम इससे बड़ा कोई काम नहीं है। पाक सरजमीन पार्टी को अगर मुझे कोई कहे कि सारी दुनिया की बादशाहत ले लो और ये काम छोड़ दो, मैं सारी दुनिया की बादशाहत को ठोकर मारूंगा, लात मारूंगा, लेकिन मैं अपने भाइयों को जुदा होने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं ये तोड़ने की सियासत इंशाअल्लाह ताला नहीं करूंगा। अल्लाह ताला मेरे साथियों का हामी और नासिर हो, जो मेरे कारकुनान, मेरे जिम्मेदारान, एक प्रेसिडेंट से लेकर नीचे वर्कर तक, खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के, खास तौर पर हमारे जो पख्तून साथी हैं, जिस तरह से इन्होंने अपने तौर पर यहाँ पर ये सारा पंडाल सजाया है, जिस तरह से ये एक एक घर, एक एक गली, एक एक दुकान पर जाकर लोगों को दावत दे रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने भाइयों को गले लगाया है, मैं तुम्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ, मैं तुम्हें सलाम पेश करता हूँ। जितने अमायदीन यहाँ पर आए हुए हैं, जितने कौमों के सरदार यहाँ पर आए हुए हैं, जितने कौमों के बड़े यहाँ पर आए हुए हैं, जिन्होंने गले लगाया है, जिन्होंने आकर अच्छी बात की है, जिन्होंने सारी नफरतों को खत्म करने के लिए अपना पहला कदम उठाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपके जरिए आवाज लगाता हूँ पूरे पाकिस्तान को के लोगों को, देखो और कराची के लोगों को और खासतौर पर पख्तूनों को, आओ अपने सारे काम छोड़कर 28 फरवरी 3 बजे दोपहर 2 घंटे के लिए इस